न्यू ईयर तो पुष्पदीप घूमने गया भोजपुर। मेरे लिए तो सिंपल सा ही रहेगा, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं घर पे ही सभी को विश कर देता हूँ हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर भैया जी। हैप्पी दे भगवान न्यू ईयर भाई। खुश रहो भैया, साल की शुभकामना बेटा, और को विद्या और को पढ़ोली को दादी जी कुछ निकाल रहे हैं लड्डू, लो भैया जी। अरे अभी खाऊंगा मैं। सभी को भी हैप्पी न्यू ईयर, लगे रहो। सैदीप घूम रहा था। हैप्पी न्यू ईयर सैदीप। हैप्पी न्यू ईयर। अब अंदर देखते हैं, अंदर शायद भजिए की तैयारी चल रही है। कल मैंने सामान लाया एंड ये है भजिए के लिए पूरी प्रिपरेशन। अभी मैं जा रहा हूँ रहटी। हर संडे रहटी में सत्संग होते हैं, तो दादाजी सत्संग सुनने जाते हैं और 1 घंटे में सत्संग ख़त्म हो गया एंड अब हम वापस जा रहे हैं घर पे। घर पहुँचने के बाद नहा कर चलना है मंदिर पे। अभी रेडी हो रहा है, रेडी हो चुका हूँ। मैंने अगरबत्ती भी ले ली है, माचिस भी ले लिए। अब जल चलाने के लिए फूल और तोड़ने से फूल है मेरे घर पे, देखो कितने। यहाँ पे लगी हुई है चटनी, यहाँ पे लगी हुई है चुंगली, यहाँ पे लगी हुई है बलर्स, यहाँ पे है कंडे, यहाँ पे और न्यू बन रहे हैं। और ये बेर का पेड़ है जिसमें बेर लगी हुई है और ये ऐसे नीचे पक्के नीचे गिरी, यहाँ पे लगे हुए हैं। और ये भी आज इस टाइम पे घर पे ही है। देखिए डांस इसका मारेगा आप। घर पे लाइट नहीं है इसलिए कलशों में जो जल है ना वही नल पे से भरेंगे जहाँ पे हमने कल पैर धोए थे, इसलिए क्योंकि जयदीप भी साथ में चल रहा है आज। मंदिर से जल चढ़ाकर वापस घर पे आने के बाद घर पे बन रहे हैं रसगुल्ले एंड अब भूख लग रही है बहुत तेज मुझे। अब बन रही है पूरी और पूरी के साथ बन रहे हैं भजिए भी, और पूरी भी 2 प्रकार। टाइम अभी हो रहा है 1:15 एंड मैं तो इस टाइम पे लंच कर रहा हूँ, बट अभी पापा जी, चाचा जी, दादा जी, दादी जी कोई भी अभी इस टाइम पे तो खेत से ही नहीं आए हैं। अभी वो खेत से आएंगे, इसके बाद नहाएंगे, फिर खाना खाएंगे, यानी कि 2 बज जाएगा। मुझे ऐसा रूटीन उनका चलता ही रहता है हमेशा, जबकि सुबह तो साथ में उठे, साथ में सब साथ में, क्या वो तो और पहले ही उठ जाते हैं कभी कभी। न्यू ईयर पे मेरे इस घर पे देखो डिनर की, लंच में कितनी सारी चीज़ें बनी हुई हैं। शुरुआत करता हूँ मैं मीठे रसगुल्लों से। पापा जी कुछ काम से रेंटी जा रहे हैं, पुष्पदीप में और चाचा जी हम खेत में जा रहे हैं। यह है लूसी के लिए रोटी और पापा जी जा रहे हैं डॉन से रेंटी, हम जाएंगे साइन से खेत पे। फाइनली खेत पे आ चुके हैं और लूसी को अब रोटी दे देते हैं उसकी। और हमें इस रूम से भूस लेकर चलना है घर पे, और जिस कंटेनर में हम भूस लेकर चलेंगे वो पूरी तरीके से फुल हो चुका है। चारा भी लेकर चलेंगे भैंस के लिए। पे आने का जो मेन काम था वो था 2 नोजल्स की लाइन को चेंज करना है। 52 नोजल चल रहे हैं हमारे एक खेत में, तो मैं आ चुका हूँ जिसमें ये नोजल चल रहे हैं। लूसी अब घूम रही है, पुष्पदीप ने घास की बोरी उठा ली और चाचा जी ने भूस चेंज करने के लिए पाइप्स को। इन टाइम हो गया 6:40 और हमने सारे नोजल चेंज कर दिए। बड़ी कड़ी ठंड हो रही है अभी यहाँ पे एंड आज तो मैं खेत पे था इसलिए खेत में क्या काम होता है इतना आपने देखा। मैं जब खेत में नहीं होता हूँ तब भी काम इससे ज़्यादा भी रहता है एंड मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाता हूँ। अभी ठंड लग रही है तो वापस से शर्ट वगैरह पहनकर, और पापा जी ने थोड़ी आग वगैरह जलाई है तो वहाँ हाथ पैर सेकेंगे। और मैं अभी आग के पास बैठा हूँ, ये नेचुरल आग की लाइट है और अब ठंड बहुत दूर हो चुकी है मुझसे। टाइम हो गया 7:23 और अब हम जा रहे हैं घर पे पुष्पतिपुर में डॉन से, पापा जी चाचा जी शाइन से, और हमें लेकर चलने हैं 2 बड़े बड़े कंटेनर्स। डिनर में वही है दोपहर का, और थोड़ी खीर है और रोटी तो होनी चाहिए नहीं तो पेट गड़बड़ हो जाता है। टाइम हो रहा है 8:06, आप भी डिनर कर लीजिए। एंड भाई ठंड बहुत कर रही है इसलिए मैंने इसे पहन लिया, और अभी सभी लोग सो रहे हैं इस टाइम पे इसलिए ज़्यादा तेज़ आवाज़ नहीं करूँगा मैं। एडिटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अगर यहाँ तक वीडियो देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो।